आज ईद का पहला दिन है। ईद के पहले दिन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। इमेजिन करो मैं कितना बोर होता हूँ। सो के थक गया था, फिर उठ के बैठ गया, बैठ बैठ के थक गया था, फिर सो गया, फिर सो के थक गया, तो अब उठ गया, अब करने को कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। ईद के रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने मेन चैनल पे भी बनाई है, वो भी चेक कर लेना। तो फिलहाल क्या होता है, तो फिलहाल हम शुरू करते हैं इस स्पेशल वीडियो। वीडियो को अंत तक लास्ट में देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। जब मेरे दोस्त ईद पर नहाकर बाहर आए और मोहल्ले का बाबा बोले यार आज तो नहा लेना सी। वैसे मरता तो है यार, आज तो नहा लेना यार। वैसे कई लोग मजाक भी करते होते हैं, अच्छे भले नहाया होता है फिर भी कहते हैं यार तू जाना नहीं, नहा ही लेना। ईद की नमाज एट 7:30 AM, अबू एट 4 AM, उठ जाए, दरवाजे तोड़ दिए, नमाज पढ़ ले। After getting ED from family and relatives, me, हाय शोखियां मारते हुए। आपको कितनी ईदी हुई है मुझे जरा नीचे कमेंट करके तो बताओ। सच्ची सच्ची वाली ईदी बतानी है, हमें झूठ नहीं बोलना। मैं सोचते हुए कि ईद पे कपड़े तो ले लिए हैं, लेकिन इसको पहन कर जाऊं किधर, ये तो बस मेरे वाला ही साहब है। वीडियो बना रहा हूँ यार ईद वाले दिन। हाय हाय। जब मेरा दोस्त अपने वाले से 1000 रुपए ईदी मांग ले, ले वाला साहब तेरी कहा थे बोतियां गला ना कर, पीटो पाटियां करना है, राम पजार लिए फाड़ दे तोड़ दो। जब मेरा बेनमाजी दोस्त 5 साल बाद ईद की नमाज पढ़ कर घर वापस आए, ले इसके घर वाले बेनमाजी दोस्त। वैसे कभी कभी ना ईद वाले दिन कई ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं जो सिर्फ ना ईद की नमाज में ही नजर आते हैं, वैसे उन्हें किसी भी किस्म की नमाज में नहीं देखा हो। ईद वाले दिन जब सब नमाज पढ़ रहे हो, मेरा दोस्त पीछे से चप्पल चुराते हुए, ले दोस्त इन्हें ईद वाले दिन भी जूतियां खानी है। मैं ईद के दिन मस्जिद के बाहर सोचते हुए कि जूता छुपाई की रस्म तो सालियां करती है, यहाँ किस साले ने कर ली। 10 साल मैं ईद पर नकली पिस्तौल लेने के बाद मोहल्ले के लड़कों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हुए, हाय 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 यार उन लड़ाइयों का बिना अलग ही मजा होता था। मुझे ना ये भी कमेंट करके लाजमी बताना कि किन किन बच्चों ने ना वो जो होती है प्लास्टिक वाली पिस्टल ली है। हम तो यार बड़ी लेते होते थे। मेरा दोस्त पठान से 50 वाली ऐनक लेकर ईद पर शोखियां मारते हुए, हाय हाय निखरे हुए। ईद के बाद जिन बच्चों का पेपर है, ले उनका अबू ईद पर तैयारी लगा, जा रहे बेटे पेपर तैयार कर, तेरा के काम है ईद। ये जिनके पेपर है ना इनके साथ ना बड़ा बुरा हुआ। ईद से पहले अगर पेपर खत्म हो जाए ना तो ईद का मजा कसम से और दुबाला हो जाता है, और अगर एक आध पेपर ईद के बाद रह जाए वो मजा ही नहीं आता। मैं अपने रामी दोस्त को ईद का चांद नजर आने पर मुबारकबाद देते हुए कि तेरी रिहाई का टाइम आ गया है। मुबारक ईद आ गई है, मेरा यार नहीं आया। अलबत्ता मैं जाहिर नहीं करता, लेकिन ईद के नए कपड़े पहन कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। ले दुखी मैं, ये धोखा है खत्म नहीं होता रहे। जब जों की तरफ से ईद मुबारक का मैसेज आया, आप जल्दी से खैर मुबारक कहते और आपके 20 रुपए कट जाए। ले आप वो खैर मुबारक कहने की इतनी वो स्पीड बन जाती है ना, वो मुझे तो तस्वीरें आ रही है व्हाट्सएप पे, मैं उसको डाउनलोड भी नहीं कर रहा, डाउनलोड किए बगैर ही उसको खैर मुबारक किए जा रहा। उसी तरह से उसने सोंग वालों को खैर मुबारक कह दिया, उन्होंने पैसे काट लिए। मैं और मेरा रामी दोस्त ईद पर पार्क में जाकर बच्चियों को नंबर देने का प्लान बनाते हुए, और आपस में प्लानिंग चल रही है, उसको दे या उसको दे या उसको दे, इन्होंने कोट खानी हुई ईद वाले दिन। जब मेरा दोस्त चांद रात पर पी कर अपनी बच्ची को मिलने जाए और उसके अब्बू को पकड़ ले, उसका अब्बू, अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत शक्ल भी अता की है, बड़ी बड़ी आंखें, मोती जैसे दांत, खूबसूरत होंठ और ये सुनहरी बाल। यदि चांद रात पिंडो ये नहीं देखे। जब पाकिस्तान में ईद का ऐलान हो गया, ले शैतान, शैतान के डांस चेक करो, शैतान भावे किसी गड्डी थले आ जाए, पहले तो कैद हो जाए बाद पक्का पक्का मर जाए। शैतान की एक और डांस चेक करो, शैतान ऑन चांद रात,
रसी पाओ। You are 20 and you realize अब कोई भी तुम्हें ईद ही नहीं देगा। ओए 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 ओए। सही दुख तो ये क्या यार, हमें भी मिलने चाहिए, मैं भी दिल रखता हूँ तेरी तरह। मैं ईद की नमाज पढ़कर घर वापस आने के बाद सवैया कस्टर्ड बिरयानी के मिलने का इंतजार करते हुए आए हाय। मजे तो ये है ईद के, और ईद पे क्या करना है यार। मेरे दोस्त आपस में बहस करते हुए कि इस ईद को बाजार से पिज्जा खाने जाएंगे, नहीं बर्गर खाने जाएंगे। ले मैं जो इस ईद पर भी घर वालों से छितर ही खाने वाला हूँ। ये दुख का खत्म नहीं होता रे गर्ल्स, दुख दर्द बताना ये था कि मैं ईदी के तय सूट इंदे ने पहले दिन लाई भी पांडे तो सा, ओए होए दूए दिन लाई भी पांडे तो सा, ते त्रीए दिन लाई भी पांडे तो सा, ओए होए मारे निक्के निक्के दुख। गर्ल्स बेचारे के साथ ना वैसे होता इसी तरह से है। अच्छे भली तकरीबन कोई 3 बजे से उठी होती है तैयारियां करने लगे, यार शहर होके घर में इतने सारे परौने आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं और बाद में सारा दिन भांडे धोते होते हैं। बॉयज इन एथ प्रेयर यार ये बड़ा फनी सीन होता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस दफा किस किसने ईद की नमाज सही तरह से पढ़ी है, किसने सही तरह से नहीं पढ़ी, जरा नीचे कमेंट करके बताओ। इस महंगाई के दौर में जब मेरा दोस्त मुझे कहे कि ईद पे कहीं घूमने चले, लह तपा हुआ मैं। सब तक कचरा पेटी को खोपड़ी तो साले ये मार मारो का खोपड़ी तो साले। इतनी महंगाई हुई है और इसे घूमने की पड़ी है। वेल मम्मा से तुम्हें बड़े हो गए हो, तुम्हें अब ईद ही नहीं मिलेगी। लैमी ऐसा तो नहीं होता है, ये क्या बात हुई। मेरी जीएफ ईद वाले दिन पतीलियां चाटते हुए जब मेरे पास 150 ईदी इकट्ठी हो जाए, ले मेरे व्हाट्सएप स्टेटस। औकादी का न कर मिठिया, जब आप और आपका दोस्त ईद पढ़ के निकले और चप्पल गायब हो। ले दुखी दुखी हम वापस जाते हुए। किधर गई यार, इतने रखी थी। गर्ल्स ऑन ईद बॉयज ऑन ईद। सोते हुए क्या यार। माय फ्रेंड हेयर कटिंग ऑन चांद रात। ओए होए होए माय फ्रेंड कितना सोना लगन रहा है। सदके जाऊं तुम्हारे माय फ्रेंड, बहुत ही मनहूस लग रहे हो, सारा मूड खराब कर दिया। जब लोग पूछे मेरा ईद का क्या प्लान है, लैमी सोने का। जब कोई गर्ल मीमर हो वो मीम्स के पीछे सॉन्ग्स किस तरह के लगाती है। ईद का दिन गर्ल मी भाग रहे। इसका वैसे मतलब नहीं मुझे समझ आया, क्या था इसका। ईद पर लड़कियों की तैयारियां, ईद की तैयारियां, मेकअप। वाह एक दूसरे वाले देख के डर गए। आ गए ओ मेरा तुम लोगों के यार की पड़ी है, मेरा पार्सल अभी तक नहीं आया। मेरा यार वैसे एक पार्सल आना था, इतना शुक्र है वो ईद के पहले मतलब चांद रात को ही आ गया, वरना वो ईद के बाद आना था। ईद मींस पूरा दिन बगैरतों की तरह सोते रहना। ले ईद बगैरत मी एलर्स आफ्टर रमजान। टिप है चल 1000 रुपया। वाह 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 बाद में दूंगा चल। थैंक यू साहब। अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। ले टेलर्स Elon Musk. Elon Musk भी ना टेलर से उधार लेने का सोचते हुए। मेरे बंगले बेच के 3-4 AC क्यों नहीं मंगा लेता, कितनी गर्मी है यार।
होंगे तो आपके लिए भी कोई वीडियो बना दी जाए। मुझे ना नीचे कमेंट करके लास्ट में बताना आप भी बोर हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, आपकी ईद कैसी गुजरी है, मेरी तरह सो के गुजरी है या कहीं घूमने फिरने भी गए हो, और ईद ही कथी कितनी हुई है, नीचे कमेंट करके लास्ट में बताना। और ये भी लास्ट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना, शेयर भी करना अपने दोस्तों यार मोहब्बत से लेकर, चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना। तो ये थी आज की वीडियो, आज में लगे चला नेक्स्ट वीडियो।